डीजे ऑपरेटिंग कोर्स की इस तीसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारा 15 इंच स्पीकर होता है यानी हमारा टॉप, उसके लिए एम्पलीफायर का सेटिंग किस प्रकार से करें और उसकी सेंसिविटी और कनेक्शन किस प्रकार से करें कि हमारा स्पीकर कभी खराब ना हो और एम्पलीफायर पर भी ओवरलोड ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही एक एक करके अपनी 11 साल जो भी मैंने नॉलेज लिया है अपने डीजे से, मैं ऑपरेटिंग का काम करता हूं, तो 11 साल के अंदर जो भी मैंने नॉलेज लिया है वही नॉलेज मैं अपने इस डीजे ऑपरेटिंग कोर्स में सभी वीडियो पर देता आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, मेरे सारे वीडियो अवेलेबल हैं उसमें। आपको अगर आप पूरे वीडियो देख लेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद एक अच्छा ऑपरेटर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन यादव और हमेशा की तरह स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरडीए सपोर्ट पर। तो बिना देर किए वीडियो करते स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है जो हमारा ये दो टॉप है, इन दोनों टॉप पर 500 वाट के 15 इंच स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर है। और एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पर हमने SPA यानी अहूजा कंपनी का SPA 2500 वाट इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको मैं बार बार ये बताऊंगा कि आप अगर पावर एम्पलीफायर जो हमारे डुअल चैनल में होते हैं उसकी जगह पर अपने टॉप के लिए स्पेशल इसे यूज करेंगे तो काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है ये ऑप्शन हमारा जो बेस कंट्रोल और ट्रिबल कंट्रोल के लिए इसमें अच्छे से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक एक करके सारी सेटिंग बताऊंगा और वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इस सेटिंग को फॉलो करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप कभी भी स्पीकर डैमेज नहीं होंगे और ना ही कभी एम्पलीफायर को लोड पड़ेगा अगर आप इतना हैवी एम्पलीफायर 500 वाट के स्पीकर के लिए यूज करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आपसे कि इसमें आप 600 वाट के भी अगर 4 स्पीकर रन कराएंगे ना तो बिना ओवरलोड के RMS पावर में ही सारे आउटपुट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, धीरे धीरे करके सारी सेटिंग बताएंगे, वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना। फ्रेंड्स, अभी चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, इसे टेस्ट करते हैं और इसकी सारी सेटिंग बताते हैं किस प्रकार से इसकी सारी सेटिंग्स को हमें अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं जो हमने मिक्सर लगाया हुआ है, ये हमारा अहूजा कंपनी का मिक्सर है जो कि इसका मॉडल नंबर है DADJ 300। ठीक है, ये है इसकी, मैंने ऐसे सेटिंग करके रखी है। और मेरा मिक्सर की सेटिंग के लिए भी ये वाला आप वीडियो देखिए, मैंने बताया डीजे ऑपरेटिंग कोर्स के सीरीज में। ठीक है, तो ये मिक्सर सेट किया और आपको जैसे बताया कि ये हमारा SPA 2500 वाट 2500 वाट हमारा एम्पलीफायर, इसका मॉडल नंबर है SPA 25000। ठीक है, इसको मैंने दो टॉप के साथ ऐड किया, नीचे दो टॉप हैं। अब इसके पीछे का मैं आपको एक बार पूरा कनेक्शन दिखा देते हैं किस प्रकार से मैंने इसका कनेक्शन किया है। ठीक, ये मिक्सर से पूरा इसका ऐसे कपलिंग इनपुट किया है यहाँ पर, और इसकी सेंसिविटी जो हमें लगाए हैं आपको 200 मिली वोल्ट में लगाना है इसकी सेंसिविटी। ठीक, और इसकी MCC ऊपर को लगा दिया, और ये आप देखिए यहाँ पर मैंने 2 ओम से लगाया है, इसका भी आपको रीजन बता देते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो ये वाला टॉप है जो आगे रखा है, इस टॉप में आप देख रहे हैं ये, इसमें मैंने 2 स्पीकर 15-15 इंच के लगाए हैं, तो यानी 8 ओम के दोनों स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पर हमारा 4 ओम तैयार हुआ। दूसरा इस वाले टॉप में आप देखेंगे, इसमें भी हमारा 8 ओम के 2 500 वाट के स्पीकर है, तो इधर 8 ओम हुआ। अभी हमने दोनों को एक में कंबाइन कर दिया और एक इस केबल के जरिए यहाँ पर दोनों टॉप को एक में लिया, तो हमारा 2 ओम का इम्पीडेंस बना है। ठीक है, तो 2 ओम का बना, तो मैंने इस एम्पलीफायर को 2 ओम पर ऐड कर दिया है। दोनों स्पीकर हमारे यानी दोनों जो हमारे टॉप हैं इनमें 500 वाट के स्पीकर है, तो टोटल वाटेज जो हमारा तैयार हुआ है वो हमारा 2000 वाट हुआ है और हमारा एम्पलीफायर जो है 2500 वाट का है। ठीक है, बड़ी सावधानी से चलाएंगे, बड़ा एम्पलीफायर रखने से अच्छा होता है, कभी भी कंपटीशन पर काम करेंगे तब भी बहुत अच्छा काम करते हैं और एम्पलीफायर में लोड नहीं पड़ेगा आपका, जब तक एम्पलीफायर रहेगा तब तक वो अच्छा से ही चलता रहेगा, किसी प्रकार की खराबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो ओम्स का है, ये क्या ओम्स का क्या फंडा है, ये स्पीकर में ओम्स मैचिंग कैसे की जाती है, अगर इसके विषय में आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके विषय में भी आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए, इतना बता दिया अभी आपको, अभी आपकी आगे की पूरी सेटिंग बता देंगे किस प्रकार से हमें इसकी आगे की सेटिंग करनी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो टॉप होते हैं वो हमारी 80 हर्ट्ज़ यानी 120 हर्ट्ज़ या 80 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़, ठीक 50 हर्ट्ज़ मानते हैं सबसे स्टार्टिंग अहूजा जो देती है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से लगा कि वो मिड रेंज तक जाते हैं जहाँ तक मिड पकड़ती है। ठीक, तो उसी हिसाब से इसे हम पकड़ेंगे। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं यहाँ से जो एरिया बनता है यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा उसके अंतर्गत जाता है टॉप के अंतर्गत। ठीक, तो अभी इसकी हम सेटिंग बता रहे हैं। देखिए जो हमारे बेस वाला सेक्शन है, बेस वाली नॉब को हमें टॉप के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे, ये 0 इसको देख लेंगे, ये इसका ये पट्टी है, इसके 0 के सामने आ जाए। ठीक,
और जो हमारे ये ट्रिबल है, ट्रिबल को हमें बिल्कुल यहाँ जीरो पर रखना है। इसका रीज़न क्या है आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे टॉप होते हैं वो मतलब मिड रेंज में चलने के बने होते हैं और उनमें ट्रिबल से कोई मतलब नहीं होता, यानी हमें उसके अंदर ट्रिबल अगर भेजेंगे भी तो वो हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा और वही स्पीकर के कॉइल को गर्म करेगा धीरे धीरे करके, इसी वजह से हमारा स्पीकर ख़राब हो जाता है। ठीक, तो आपको मिड रेंज का ये हमारा जो ट्रिबल है यानी हाई रेंज है इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना, इसे ऑफ रखना है। यहाँ आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जब मिड के लिए तो यहाँ से मिड कैसे मिलेगा, तो देखिए इस मिक्सर में मैंने यहाँ से हाई दिया है, इससे एच एफ वगैरह सब कुछ बजेगा, इसलिए यहाँ पर हाई करी इतना लेवल है, यहाँ ये मिड का लेवल है। ठीक, ये मिड का लेवल हो गया और यहाँ से ये लो का हुआ हमारा, ठीक है, नहीं बेस का लेवल हो गया। अभी यहाँ मिक्सर से भाई मिड आ रहा है और हाई भी आ रहा है, तो दोनों मिक्स होकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिड यहाँ पर बना लेंगे। और बूस्टर एम्पलीफायर टू वे होते हैं, यानी टू वे क्रॉस ओवर इनके अंदर ये लगे होते हैं, तो यहाँ से जब बेस खोलते थोड़ी मिड बेस के साथ भी जाती है इसमें। ठीक, और मास्टर लेवल से भी हम जब बढ़ाएंगे तो उसके साथ मिड मिक्स हो जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं जब से अभी 11-12 साल से अपना डीजे सेटअप चला रहा हूँ, मैं इसी पर सारा सिस्टम करता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, स्पीकर जल्दी से ख़राब कभी नहीं होते। ठीक, तो अभी इसकी आवाज़ की बात करते हैं, जो मास्टर फेडर है कितनी आवाज़ खोलना है। देखिए इसमें हमारे जो टॉप है इसमें हमारे 2000 वाट स्पीकर बन रहे हैं, पूरा जितना है ये 2000 वाट बन रहे हैं, और हमारे एम्पलीफायर जो है 2500 वाट आउटपुट करता है आरएमएस पर, और अगर इसके मतलब कि मैक्स पावर की बात करें तो ये हमारा 3000 वाट तक आउटपुट कर सकता है। ठीक है, तो इसके वाट के हिसाब से आपको वॉल्यूम इसके स्पीकर की औकात के हिसाब से ही खोलना है। अगर आप 600 वाट जोड़ना चाहते हो तो 600 वाट के हिसाब से आपको खोलना है, आपको ऐसे खोलना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं लाइव में टेस्ट करके बताऊंगा कि कितना आवाज़ इसका खोलना है, तो आपको भी ऐसे नहीं करना है, पहले स्पीकर को अपना ऐसे कस लेना, ये ऐसे मिला लेना है आपको, और आपको फिर इसको स्पीकर कितने में अच्छा रेंज ले रहा है ताकि ये हमारा सिग्नल यहाँ तक, देखिए ये 3 है, ये 3 के ऊपर ना जाने पाए, क्योंकि अगर ये 0 पर पहुँचेगा तो पूरा 2500 वाट का आउटपुट करने लगेगा। ठीक है, तो 2500 वाट यहाँ 0 तक जाने पर 2500 वाट करेगा, तो हमें यहाँ तक 3 तक ही रखना है, बहुत से बहुत 3 तक, इतना बड़ा एम्पलीफायर लगेगा, तो एम्पलीफायर में लोड नहीं पड़ेगा, स्पीकर भी नहीं ख़राब होगा। ठीक है, तो इसे हम चालू करके आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसका हम करते हैं पावर ऑन, सबसे पहले मैं अपने मिक्सर का पावर ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने मिक्सर का पावर ऑन कर दिया, अभी ये एम्पलीफायर का पावर भी मैं ऐसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको इसकी मास्टर कितनी खोलना है वो आपको खोल के बता रहे हैं, कितना लेवल ये यहाँ से ले पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका हम वॉल्यूम खोलते हैं कितना वॉल्यूम लेता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वॉल्यूम, यहाँ से आप ध्यान से देखना कहाँ तक लेवल ले रहा है, और आप इस फोटो से मिलाइए, देखिए ये कहाँ तक पकड़ेगा। ठीक, तो आप ऐसे इसकी सेटिंग करना एम्पलीफायर की, कोई दूसरी कंपनी का भी एम्पलीफायर होगा तभी आपको लगभग यही सोच के ही करना है। अगर उसमें मिड सेक्शन पड़ रहा है तो आप थोड़े से मिड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको हाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, ऑफ रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।